नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं कॉफ़ी से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी केक बनाने जा रही हूँ। तो इसमें ना गैस चाहिए हमें, ना ओवन चाहिए, ना मैदा की ज़रूरत है। तो सिर्फ कॉफ़ी और ब्रेड से हम बहुत फटाफट से ही केक बना लेंगे। तो आइए बनाते हैं इसे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमने थोड़े से ओरियो चॉकलेट बिस्किट लिए। आप कोई भी चॉकलेट फ्लेवर के बिस्किट ले लीजिए और इसको हम इस तरह से तोड़कर मिक्सर जार में डाल लेंगे और बहुत थोड़ा सा दूध डालकर इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि हमें एक बहुत गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए, इस तरह का हमें पेस्ट बनाना है, बिल्कुल पतला ना हो, गाढ़ा सा हो, ताकि ब्रेड पे हम इजीली स्प्रेड कर सके इसे। और इसमें हम थोड़ा सा चॉकलेट सॉस डाल देंगे। तो आप चाहें तो केवल चॉकलेट सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, इसे थोड़ा बिस्किट का अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो इसे बना करके हम एक साइड में रख देंगे। और देखिए, हम कॉफ़ी बनाएंगे तो कॉफ़ी को हमें बीट करना है। 2 से 3 चम्मच आप कॉफ़ी लीजिए और उसमें 5-6 चम्मच चीनी डालिए। तो ये चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट से। और इसमें 1 चम्मच हम पानी डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच, और इसको थोड़ा सा मिलाएंगे। तो आप देखेंगे 2-3 मिनट मिलाने पर इसका कलर चेंज होने लगेगा, इसका मतलब ये बीट हो रही है। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी देर में पानी डालते हुए और इसे इसी तरह से मिलाते हुए बहुत ही फ्लफी सा, एक फोमी सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इसमें 8-10 मिनट लगेंगे आपको, और 3-4 बार आप पानी डालें तो इस तरह से फोम बन जाएगा। और देखिए, बहुत ही अच्छी कॉफ़ी तैयार हो जाएगी। तो इसको हम क्रीम की तरह यूज़ करेंगे, जैसे व्हिपिंग क्रीम होती है। तो देखिए, आप प्लेट पर एक थोड़ी सी कॉफ़ी लगाइए। और इस तरह से मैंने ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं, जिनके किनारे काट लिए हैं। और जो हमने बिस्किट का जो एक बैटर बनाया था पेस्ट, उसको हम देखिए इस तरह से इस पर स्प्रेड करेंगे और एक एक करके सारी ब्रेड इस तरह से हम लगा देंगे। तो बहुत अच्छे बिस्किट और ब्रेड का ये तैयार हो गया है। अब लास्ट में ऊपर से जो हमने कॉफ़ी को बीट किया था, उसे हम व्हिपिंग क्रीम की तरह यूज़ करेंगे। तो बहुत ही अच्छा कॉफ़ी का फ्लेवर आएगा। तो कॉफ़ी के टेस्ट वाला ये बहुत अच्छा केक या पेस्ट्री कह लीजिए, इंस्टेंट रेसिपी है, तैयार हो जाएगी। और इसको इस तरह से आप चारों तरफ लगा लीजिए, जैसे हम क्रीम को लगाते हैं केक पर। और इसको किसी भी चीज़ की हेल्प से आप स्मूथ कर लीजिए। और साइड्स को देखिए, हम साफ़ कर लेंगे। तो थोड़ा इसे जल्दी यूज़ करें, आपकी कॉफ़ी मेल्ट होने लगती है। तो बिस्किट लगा लेंगे एक साइड में, अब तैयार है देखिए केक। और आप चाहें तो इसमें कुछ भी स्प्रिंकल या चॉकलेट चिप्स या कोको पाउडर से इसे डस्ट करके आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने चॉकलेट चिप्स लगाई है और इस तरह से इसको बीच में काट लिया। तो इतनी अच्छी और टेस्टी और सुंदर दिखने वाली, तुरंत बनने वाली पेस्ट्री हमारी तैयार है।